जब यदि आपको लगता हो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कुछ दैवीय प्रकोप हो रहा हो, लगता हो कि बार बार घर के अंदर उच्चाटन जैसी आपको प्रवृत्ति दिख रही हो, घर के जो आपके जो सदस्य हैं उनके अंदर बीमारी का बहुत ज़्यादा वास होता दिख रहा हो, आपको लगता हो कि आपके घर के अंदर कोई टोना टोटका हो गया हो, आपके घर के अंदर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, आपके घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा गंभीर रोग से पीड़ित हो, लगातार चिकित्सकों की परामर्श देख रेख के बावजूद भी यदि वह ठीक नहीं हो रहा हो, सभी जांचें भी सामान्य आ रही हों, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जिससे घर से बीमारी को बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए एक विशेष अर्ध में आपको बता रहा हूँ, माँ शीतला और माँ संकटा का ध्यान करके ये अर्ध दिया जाता है। तो आप नियमित रूप से नीम के वृक्ष के नीचे ध्यान रखें, नीम का जो पेड़ होता है उसके नीचे माँ शीतला और माँ संकटा का ध्यान करके जल का अर्ध यदि आप वहाँ पे प्रदान करते हैं, दो धूप बत्ती वहाँ पर जलाते हैं और कुछ मीठा भोग वहाँ लगाते हैं, तो आपके घर के अंदर जितने भी बीमारियों का वास है उन सब बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ साथ में घर के अंदर जो भी नकारात्मक वातावरण है उस नकारात्मक वातावरण से भी आप सबको मुक्ति मिलती है।